यात्री अब UTSF से ट्रेन पकड़ने वाले स्टेशन के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में टिकट ले सकेंगे। पहले ये सुविधा स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में ही थी। ऐप से टिकट बुक होते ही मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। यात्रा समाप्त होते ही टिकट खुद ही नष्ट हो जाएगा। उस टिकट पर न तो कोई दूसरा यात्रा कर सकेगा और न ही किराए की वापसी होगी। टिकट का स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकेगा। इससे टिकटों के फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। ट्रैक से 40 मीटर के अंदर ऑनलाइन पेपरलेस टिकट बुक नहीं हो पाएगा। हालांकि रेलवे ने ऑनलाइन पेपरयुक्त टिकट बुक करने का विकल्प रखा है, लेकिन टिकट बुक करने के बाद यात्री को काउंटर पर पहुंचकर प्रिंट टिकट लेना होगा। इसके अलावा यात्री स्टेशन पर QR कोड के माध्यम से भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट काउंटरों के सामने व प्रमुख स्थानों पर QR कोड चस्पा किया गया है। टिकट बुक करते समय पता चल जाएगा कि ट्रेन 3 घंटे के अंदर आएगी या बाद में। इससे लोग यात्रा की प्लानिंग कर सकेंगे। लोगों को स्टेशन पर पहुंचकर टिकट के लिए काउंटरों पर लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। जनरल टिकट के लिए अब भी काउंटरों पर लंबी लाइन लगती है। त्योहारों में लोगों को टिकट के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती है। इसमें कई यात्रियों की ट्रेन भी छूट जाती है। एक PNR पर अधिकतम 4 टिकट। UTSF के जरिए बुकिंग के दौरान यात्रियों को PNR नंबर दिया जाएगा। एक PNR पर अधिकतम 4 टिकट बुक हो सकते हैं। टिकट का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे वॉलेट आदि से कर सकते हैं। रेलवे लाइन से कम 20 मीटर दूर रहते हुए अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप बिना टिकट यात्रा करें और TT को देखते ही टिकट बुक कर लें। इसके लिए रेलवे ने जियो फेंसिंग की है ताकि लोग इस सुविधा का दुरुपयोग न करें। ऐसे बुक करें टिकट, गूगल प्ले स्टोर से UTSF को डाउनलोड करें। इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ID कार्ड नंबर दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को ओके कर दें। रजिस्टर करने पर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके बाद OTP डालकर साइन अप कर सकते हैं। ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके बाद UTS लॉग इन कर टिकट बुक कर सकते हैं।